अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हमज़ा, डायमंड न्यूज़ की दूसरी वीडियो के साथ पेश खिदमत। आज हम मौजूद हैं कोटादू के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला मोचीवाला में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि ये बिजली की जो तारें हैं ये नीचे लटकी हुई हैं। राहगीरों को आने में मसला होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी मौत का ख़तरा है, और जब बारिश आती है तो ये ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के रिहायशियों से कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं गलियों में, और यहाँ पे देखें तारें लटकी हुई हैं सारी, और बच्चे इसके ऊपर देखें किसी भी टाइम कोई पता नहीं चलता, इसके ऊपर झूले खा रहे होते, पता नहीं क्या कर रहे होते, इधर से ट्रैफिक कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले जो भी आते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, उनकी गर्दन में भी लटक सकती है, ये फंस जाती है तारें, कोई पता नहीं चलता। ये देखें अब कितनी लटकी हुई है, उस साइड पर भी देखें, और ये देखें सारी ये तारें लटकी हुई है। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द जल्दी इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, इस काम के ऊपर मेहरबानी करके इसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। और हमें आपसे और कोई शिकायत नहीं है, बस यही काम कर रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी है बस। जी आप बताएं। जी हाँ, जब बारिश होती है तो तारों में करंट आ जाता है, करंट स्पार्किंग करने लग जाती है, ये तारें बहुत नंगी हैं और बहुत ज़्यादा नीचे लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। पानी नीचे यहाँ यहाँ तक खड़ा होता है, घोड़े घोड़े तक, और बहुत ही मुश्किल का सामना। जी जैसा कि शहरियों की राय आपने सुनी, जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, और तारें जो हैं ये ठहरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ज़िंदगी मौत का ख़तरा है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। मेरी गुजारिश है कि इस मसले को जल्द अज़ जल्द हल कराया जाए, यह आपका अपना इलाका है, यह आपका अपना हल्का है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डायमंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।